वीडियो की शुरुआत होती है और हमें अंडे के ऊपर एक चाकू को दिखाया जाता है और वीर उस अंडे के अंदर निप को डालकर उसका मटेरियल पीता है और वीर सोचता है कि मुझे पता था कि इतने ऊपर किसी खास चीज़ का ही अंडा होगा, यानी कि ये एक हेरिकेल बर्ड थी और उसे बहुत ज़्यादा सीक्रेट पॉइंट भी मिले थे और एक डेविल सोल भी साथ में मिली। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। फिर हमें युवराज को दिखाया जाता है नीचे की तरफ देख रहा था, पहाड़ी के नीचे की तरफ, और हमें गेंडों को जाते हुए भी देखा जा सकता है और सभी गेंडे धूल उड़ाते हुए बाहर जाने लगते हैं। और फिर युवराज सोचता है कि आखिरकार ये चले गए, इनको भी तो भूख लगती है, इनको भी तो जाना चाहिए। फिर इसके बाद में मतलब युवराज सोचते हुए ऊपर देखता है तो ऊपर हमें वीर को उतरते हुए दिखाया जाता है और वह नीचे को, भाई तुम मुझे लगा कि चले गए होगे, ऐसा इसने युवराज ने बोला। युवराज ने वीर का पेट देखा कि तुम्हारा पेट तो ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। फिर वीर युवराज को एक कफ वह मटेरियल ऑफर करता है और जैसे ही वह युवराज उस मटेरियल को पीता है तो उसे भी एक घोषणा मिलती है कि आपने एक सीक्रेट हेरिकेल बर्ड को मारा है। और ये सब जानकर वीर के सामने वो बच्चे की तरह नाटक करने लगता है कि यार भाई तू तो बहुत अच्छा है, और वीर सोचता है कि ये बंदा ऐसा है यार, एनीवे जाने दो। फिर युवराज बोलता है कि भाई जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, और वो उसके सीने के ऊपर यानी छाती के ऊपर ही आने लगता है। और वीर देखा, अरे अरे भाई चलो चलते हैं, बाद में पार्टी के लिए मिलते हैं, ऐसे बोलते हुए आते हैं। फिर हमें टेलीपोर्ट स्टेशन दिखाया जाता है और उसके बाद में वीर को दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि यार मैंने वो हेरिकेल बर्ड जो का सेवन किया था उससे मुझे 5 जीन पॉइंट मिले। फिर हमें किसी के पेड़ दिखाए जाते हैं जो आहट थी। फिर हमें अवनी को दिखाया जाता है जो, और वीर उसके सामने खड़ा हुआ था और वीर बोलता है हाय कैप्टन, कैसे हो आप। फिर अवनी वीर से बोलती हैं, ओ बच्चे मतलब यानी कि इधर मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। फिर अवनी ऐसा बोलते हुए वीर को अपने साथ लेकर जाने लगती है और वीर सोचता है फाइट ठीक है चल रहा हूँ ना, अभी मैंने सीक्रेट पॉइंट, मुझे कुछ सीक्रेट पॉइंट प्राप्त हुई हैं, अभी मैं आपसे नहीं आ सकता। इसके बाद में वीर और अवनी को आमने सामने देखते हैं कॉम्बैट सूट में और वीर आए मतलब यानी कि वह सोचता है कि चलो लड़ते हैं। ऐसा करके वीर के ऊपर वह अवनी पैरों से हमला करती है और वीर थोड़ा सा तिरछा होकर उसके हमले से डोज कर लेता है। फिर वीर जैसे उससे बचता है, लीडर क्या आप क्या कर रहे हो, डोंट मतलब यानी कि वह उसे मारने के लिए ऊपर से कूदकर फिर से हमला करने लगती हैं। फिर वीर फिर से उसके पैर से बचने के लिए थोड़ा सा अपने शरीर को पीछे की ओर धकोता है और फिर से अपने कान के पास उसका पैर निकाल लेता है और वीर एकदम ही अचंभे में आ जाता है। फिर वह अपना जो टेक्निक थी उसने भी हाल ही में जो हाइपर जनरेटर खरीदी थी उसे उस अवनी का पैर पकड़ लेता है और अपनी की यानी कि अपनी की अवनी की जांघ को पकड़ लेता है, जिससे अवनी बहुत ही ज़्यादा शर्म हो जाती है, आज तक उसके साथ ऐसा किसी ने व्यवहार भी नहीं किया था ना इसलिए। फिर अचानक ही वीर शर्माते हुए वीर उसकी टांग को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वीर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने आखिरकार वह टेक्निक लड़की के ऊपर यानी कि इस लड़की के ऊपर इस्तेमाल कर ही ली। फिर अवनी अपने दांतों को भींचकर अपनी सी ऑफ सोल से एक डेविल सोल बुलाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही थी, वह आग की तरह दिख रही थी, येलो लाइट के साथ चमक रही थी, अवनी चमक रही थी। फिर हमें अवनी को एक शेर में सीक्रेट डेविल सोल में शेर की सीक्रेट डेविल सोल में बदलते हुए देखते हैं और वह सीधे ही वीर के ऊपर हमला करने लगती हैं, जिससे वीर के ऊपर हमला करते हुए तो साइड में हो जाता है लेकिन वहाँ जो फर्श था उस पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वीर उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा चक्कर में आ जाता है कि यार अगर उसके पंजे के नीचे अगर मैं होता तो शायद अभी मेरे तो फीसेस यानी कि मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता, ये ट्रेनिंग थोड़ी ना, ये तो मुझे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लगता तो ऐसा ही है। फिर अवनी अपना उस डेविल सोल को फिर से अंदर की मतलब यानी छोड़ देती है, सॉरी। इसके बाद में अवनी वहाँ से जाने लगती है और वीर और अवनी दोनों ही देखते हैं आमने सामने देखने लगते हैं और वीर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। यार
मैंने सोचा था कि ये सीक्रेट देवली वाले जो अंक मैंने प्राप्त किए, और इसके बाद में अमनी उसे देखते हुए सोचती हैं कि यार ये कैसा लड़का है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी हरकतें करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद में अवनी और वीर को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जो वीर अवनी के हमलों को डोज करता है, साथ ही डिफेंड भी करता है, और अवनी उस पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले हमले भी करते हैं, अपने पैरों से, हाथों से, मुक्कों से। फिर अवनी और वीर में अब ज़्यादा अंतर तो रह नहीं गया था, और वीर अब उसके हमलों को भी आसानी से सहन कर सकता था। इसके बाद में हमें वीर को दिखाया जाता है, जो उसी कमरे से बाहर निकलता है, और वह वहाँ पर उसके शरीर को पहले जैसा नहीं देख पाता है, और हमें किसी की बोलने की आवाज़ आती है, तो हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जो ये वीर के साथ पढ़ने वाली लड़की थी। यार इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो शायद मैं इसका नाम अभी नहीं बता सकता। तो इस लड़की के पास वीर जाता है, लेकिन तभी से आसमान में कुछ एक कार सा, यानी कि वहाँ पर उड़ने वाली कारें थी ना, तो वहाँ से ऊपर से कुछ आता है। वीर देखता है कि यार ये क्या है, फिर हमें उन दोनों को बातें करते हुए उस तरफ देखते हुए दिखाया जाता है, जो थी। फिर उसके अंदर से एक आदमी निकलता है, उसका नाम लिलसिस था, यानी कि लिलसिस क्या था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये उसका कास लग रहा था। फिर इसके बाद में एपिसोड ये भी ख़त्म हो जाता है, और इससे आगे वाला एपिसोड हम कल बताएंगे। तो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।